subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आनंद वन के बारे में। आनंद वन देहरादून शहर से 13 किलोमीटर के फासले पर झांझरा में करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ प्राकृतिक और रोमांच प्रेमियों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ टहलने और साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही नई पीढ़ी के लिए फ्लोरा और फौना से जुड़ा ज्ञान का खजाना भी है। यहाँ आने वाले विजिटर्स को बाघ और स्नो लेपर्ड जैसे बड़े बड़े जानवरों की विशाल रेप्लिका देखने और तितलियों के पार्क में घूमने का भी मौका मिलेगा। आनंद वन में प्रकृति, अध्यात्म व ज्ञान तीन बिंदुओं पर फोकस किया गया है। वहाँ प्रवेश करते ही वेद पुराणों की वाणी गुंजायमान होती है। इसके लिए पूरे परिसर में 64 स्पीकर लगाए गए हैं। साथ ही जगह जगह वेद पुराणों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान की गूढ़ बातों को समझाया गया है। ऐसे में प्रकृति की छाओ में आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नक्षत्र वाटिका, हर्बल गार्डन, सीता वाटिका भी बनी है जिसमें इनके बारे में बताया गया है। नक्षत्र वाटिका में एक्यूप्रेशर टाइल लगी है, साथ ही ग्लोब भी लगाया गया है और नक्षत्रों के महत्व को रेखांकित किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ के आकर्षण केंद्र की। सीता वाटिका, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, वाटर फाउंटेन, बच्चों का पार्क, बर्डिंग पैराडाइज, वाटर कंजर्वेशन मॉडल, बटरफ्लाई गार्डन, जंगल रॉड्स, एडवेंचर एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कॉरिडोर, साइकिलिंग ट्रेल, आनंदी बुग्याल, वाटरफॉल, ट्री गट, जंगल वॉक, वाटर बॉडी। बर्डिंग पैराडाइज में उत्तराखंड में पाई जाने वाली परिंदों की प्रजातियों के बारे में बताया गया है। तो बांस के जंगल से गुजरते वक्त पक्षियों के सुम मधुर कोलाहल के बीच चहलकदमी करना अपने आप में आनंदित करता है। यहाँ शाकाहारी वन्य जीवों के सजीव देखने वाले मॉडल हैं, तो जंगल रोडस में मांसाहारी जीवों के। यहाँ बटरफ्लाई गार्डन है तो आनंदी बुग्याल भी आकर्षण का केंद्र है। बच्चों के लिए मनोरंजक गतिविधियां भी शामिल की गई है। पेड़ों पर 3 हट भी मनाई गई हैं, जिसमें से एक को केदार कुटीर और दूसरे को बद्री कुटीर के नाम से जाना जाता है। इसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ धामों के बारे में बताया गया है। वसुधारा वाटरफॉल भी यहां तैयार किया गया है। अब बात करते हैं आनंद विहार में प्रवेश शुल्क की। आनंद वन में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क है। 10 से 15 वर्ष तक प्रवेश शुल्क ₹20 और वयस्कों के लिए ₹50 निर्धारित किया गया है। रोमांचक गतिविधियों में जिप लाइन ₹50, कमांडो नेट ₹50, बर्मा ब्रिज ₹40, टायर नेट ₹20, बैम्बू लैडर ₹20, ट्री हट ₹50, कॉम्बो पैक ₹150 का है। अब बात करते हैं आनंद वन का खुलने का समय। सिटी पार्क सुबह 9:30 से शाम 4:30 तक खुला रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि देहरादून आप कैसे पहुंचे। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, जो कि पर्यटन के लिहाज से एक शानदार स्थल है। आप देहरादून जाने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले विकल्प, हवाई मार्ग से देहरादून कैसे पहुंचे। यदि आपने देहरादून जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो आपको बता दें कि लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है और इसे देहरादून हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है।
अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की कि ट्रेन से देहरादून कैसे पहुंचे। यदि आपने देहरादून घूमने जाने के लिए ट्रेन से ट्रेवल करने के ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो हम आपको बता दें कि देहरादून रेलवे स्टेशन शहर को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, कोलकाता, वाराणसी और वडोदरा से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आप यहां चलने वाले ऑटो रिक्शा या टैक्सी किराए पर लेकर देहरादून शहर घूमने जा सकते हैं।